प्रदेश के मुख्यमंत्री मंडसानोड़ विभाग के द्वारा जर्जर स्कूल को मरम्मत कर सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु प्रत्येक जिले को करोड़ रुपए का राशि आवंटित कर स्कूल का मरम्मत कराए जाने हेतु कार्य किए हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारी एवं जिम्मेदार अधिकारी के भारी लापरवाही के कारण यह कार्य अब मात्र दिखावे के तौर पर पूर्ण दिखाई दे रहा है। जहाँ ठेकेदार के द्वारा मनमानी करते हुए निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं होने के बावजूद भी उन्हें सूचना पटल में पूर्ण दिखाकर अपना कार्य भारी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उदयपुर विकास खंड के सूरजपुर जिला सीमावर्ती क्षेत्र तोलगा का है, जहां मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना तहत जर्जर मिडिल स्कूल को मरम्मत कराए जाने हेतु 3.60 लाख 2022-23 में स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्माण कार्य REAS विभाग के द्वारा ठेकेदार पद्धति से वर्तमान में कराया जा रहा है, जहां निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के पूर्व ही स्कूल के पास सूचना पटल में 12 मई 2023 को ही स्कूल का मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिलेंद्र कुमार भारती है। सर ये गुड़खाई उदयपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत तोलगा की माध्यमिक शाला में इस मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत 3,60,000 लागत से मतलब मरम्मत कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका निर्माण कार्य पूर्णता तिथि 12 मई को ही कम्प्लीट हो गया है। सर इसके पश्चात भी आज कम्प्लीट नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में हमको सूचना मिली है, DRC के माध्यम से मिली है, वहाँ प्रधान पाठक के माध्यम से मिली है। ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पर कुछ निर्माण कार्य अभी भी अधूरे हैं और उसको पूरा कराने के लिए आज नोटिस जारी किया जा रहा है मेरे द्वारा, और इसके बाद भी कार्यवाही कार्य नहीं करता है ठेकेदार, तो उच्च कार्यालय को इससे अवगत कराया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। सर ये बताइए, जैसे मिली जानकारी अनुसार जहाँ कार्य होती है वहाँ इंजीनियर कार्यस्थल पर